Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your SkyPath, a complete integrated multi skill course, literature reader for class 1, series editor Abba Segel, author Sandra D'Souza, a We Connect education. So, today, we will be doing a chapter 1 poem, The Postman. लेसन टाइम लेट्स बी पोस्टमैन अब यहाँ पर हमारे जो ऑथर है वो कह रहे हैं कि चलो हम भी पोस्टमैन बनते हैं पोस्टमैन वो पर्सन होता है जो लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट एक पोस्टमैन को स्ट्रीट्स यानी कि रोड्स पे चलना होता है पोस्टमैन का काम क्या होता है देखो बेसिकली ये होता है एक पोस्ट बॉक्स पोस्ट बॉक्स में लोग अपने लेटर्स को यहाँ पर डाल देते हैं फिर जिसके पास भी पहुँचाना होता है लोग यहाँ पर पोस्ट बॉक्स में डाल कर जाते हैं फिर पोस्टमैन वो पर्सन होता है जो इसी पोस्ट बॉक्स में से इन लेटर्स को निकालता है और वो लेटर्स जिसको देने होते हैं उनके घर जाके उन्हें वो लेटर देकर आता है सो so पोस्टमैन का काम क्या है दिन भर रोड पे चलना है लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लिसन टू आर फीट पोस्टमैन कभी रुकता नहीं है वो क्या करता है इधर से उधर दिन भर जाता है लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करके चलता है और सब जगह जल्दी जल्दी अपने लेटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है यानी कि पहुंचा देता है लेट्स बी पोस्टमैन पुशिंग लेटर्स थ्रू पोस्टमैन वापस से हमारे ऑथर बोलते हैं कि चलो पोस्टमैन बनते हैं पुशिंग लेटर्स थ्रू जब भी हम किसी के घर जाते हैं तो हम क्या करते हैं एक लेटर उन्हें दे देते दे हैं बहुत से लोगों के घर के बाहर एक लेटर बॉक्स होता है तो पोस्टमैन इस लेटर बॉक्स के अंदर लेटर डाल के चला जाता है रैटलिंग टिंगलिंग रैटलिंग रैट अटैट इज अ साउंड मेड बाय नॉकिंग एट अ डोर ये जो रैट अटैट है ये एक ऐसी साउंड होती है जब भी आप लोग किसी के घर जाते हो तो डोर पे नॉक करते हो तो ये वो नॉक का साउंड है एंड टिंगलिंग इज द साउंड ऑफ बेल रिंगिंग या जिसके घर में वो ये पोस्ट बॉक्स नहीं लगा हुआ है ऐसा छोटा सा मेल का उनके घर पे या तो आप डोर को नॉक करोगे या फिर वहाँ की बेल बजाओगे हेयर इज़ वन फॉर यू और जब भी बेल की आवाज़ सुनकर या डोर नॉक की आवाज़ सुनकर कोई भी पर्सन अपने घर से बाहर निकलता है तो पोस्टमैन उसे वो लेटर दे देता है और बोलता है कि देखो आपके लिए एक लेटर आया है लेट्स बी पोस्टमैन गोइंग होम फॉर टी लेट्स बी पोस्टमैन वापस से हमारे ऑथर बोल रहे हैं कि चलो हम एक पोस्टमैन बनते हैं गोइंग होम फॉर टी जो कि घर जाएंगे चाय पीने के लिए Now the bag is empty. Shake it out and see. घर कब जाएंगे वो चाय पीने के लिए जब उस दिन के जितने भी लेटर्स उसके बैग में रखे हुए हैं वो सारे लेटर्स वो जिनके घर पे देने हैं वहाँ पर वो दे चुके हैं उसके बाद ही वो अपने घर जाकर चाय पियेंगे अगर आपको ट्रस्ट नहीं होता है तो उसका बैग शेक करके देख लो यानी कि हिला कर देख लो कि अंदर लेटर्स हैं या फिर बैग एम टी है एम टी यानि कि बैग खाली है दिस पोएम इज़ रिटन बाय एन अनॉनमस अनॉनमस मीन्स एक ऐसा पर्सन जिसका नाम हमें नहीं पता है कि ये पोएम किसने लिखी है तो हम उस पोएम को अनॉनमस करके पब्लिश कर देते हैं सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर पोएम आई होप यू अंडरस्टूड इट इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स यू कैन राइट मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो If you like the chapter, if you understand the chapter, kindly subscribe the channel and hit the like button. Thank you so much. Keep watching and keep sharing.